हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको घर पे मॉस स्टिक बनाना बताएंगे। तो मॉस स्टिक बनाने के लिए हमने ये ली है नारियल की रस्सी, और एक ये स्टिक ली है, और दो वायर के हमने ये पीसेस लिए हैं, और एक हमने ये लिया है पॉट। तो पॉट में होल नहीं थे तो हमने ये घर पे ड्रेनेज होल बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो मॉस स्टिक जो है हम वो बाहर से लगाएंगे। तो इसमें जो हमारा पॉट है इसमें हमने चार होल एक्स्ट्रा कर लिए हैं, दो ये हैं और दो ये नीचे साइड में। आज हम आपको मॉस स्टिक नए तरीके से लगाकर बताएंगे। तो इस स्टिक में हम इस रस्सी को आपको लपेट कर दिखाते हैं। तो थोड़ी सी जगह हमें नीचे छोड़ देनी है, उसके बाद हम रस्सी को लपेटेंगे। तो रस्सी लपेटने का सही तरीका ये है, इससे आपकी रस्सी जो है वो निकलेगी नहीं। तो इस तरह से आप रस्सी को लपेट सकते हैं, थोड़ा दो से तीन इंच आप इस तरह से रस्सी को रखें और उसके बाद इस तरह से लपेटना शुरू करें। टाइट इस रस्सी को लपेटेंगे जिससे ये ढीली ना पड़े और खुले भी नहीं। तो रस्सी को हमें इस तरह से लपेटते जाना है, इस तरह से। तो ये रस्सी लपेट कर अभी हम आपको दिखाते हैं। तो मॉस स्टिक हमारी बनकर पूरी रेडी हो गई है। तो इसको अब हम इस पॉट में लगाकर दिखाएंगे। इसको हम बाहर से लगाएंगे इस तरह से, तो हमारी जो स्टिक है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। अंदर जब हम इस तरह से जब हम अंदर लगाते हैं तो ये भीगती रहती है और जल्दी हमारी ये जो मॉस स्टिक होती है ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको आज हम बाहर से लगाकर दिखाएंगे। तो ये जो हमने होल किए हैं इसे हम वायर से इस तरह से बांध देंगे, वायर को हम इस तरह से फंसा देंगे होल में। और इसमें हम स्टिक लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से वायर से हम इसको बांध देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने वायर से स्टिक को बांध दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी वज़नदार हमारी स्टिक हो गई है। तो इसमें एक हम इस तरह से ईंट का एक टुकड़ा रख देंगे जिससे कि बैलेंस बना रहे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम भर देंगे सूखी पत्तियाँ और उसके बाद मिट्टी भरेंगे। तो इस पॉट में हमने डाल दिए हैं किचन वेस्ट और इसमें डाल देंगे दो मुट्ठी हम गोबर की सड़ी हुई खाद। अब डाल देंगे मिट्टी और मिट्टी डालने के बाद फिर हम इसमें कटिंग लगाएंगे मनी प्लांट की। तो ये हमने कुछ कटिंग्स ले ली हैं मनी प्लांट की, इन्हें हमने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में कटिंग को तैयार किया है। तो इनको अभी हम आपको लगाकर दिखाते हैं। तो कटिंग्स जब हम लगाते हैं तो नीचे की जो लीव्स होती हैं इनको हम हटा देते हैं, उसके बाद इन कटिंग्स को लगाते हैं। अगर लीव्स जो है हमारी मिट्टी में छूती रहेंगी तो उससे हमारा जो प्लांट है उसमें फंगस लग सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि नीचे की जो लीव्स हैं उनको निकाल दें और फिर इस तरह से होल कर लें, उसके बाद ही कटिंग को लगाएं। अगर होल किए बगैर अगर आप कटिंग को लगाएंगे तो हो सकता है कि इसकी जो स्किन है वो छिल जाए या ये नोड एरिया जो होता है ये टूट जाए, तो उसकी वजह से आपकी जो कटिंग्स है वो ग्रो नहीं होगी। तो पहले किसी चीज़ से होल कर लें उसके बाद कटिंग को लगाएं इस तरह से, और एक से दो नोड एरिया मिट्टी के अंदर ज़रूर जाने चाहिए, तभी हमारी कटिंग्स जो है वो 100% ग्रो होगी। और इस तरह से मिट्टी को उंगली से हम दबा देंगे। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि उनकी जो कटिंग्स है वो ग्रो नहीं होती है, वो इस तरह से कटिंग को लगाते हैं। यहाँ पर नोड एरिया नहीं है, नोड एरिया यहाँ पर है, और वो कटिंग को इस तरह से लगा देते हैं, इतना मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और जो नोड एरिया होता है वो ऊपर रह जाता है, उससे उनकी कटिंग जो है वो गल जाती है और ग्रो नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो नोड एरिया है उसके पास से हमें इस तरह से कटिंग को निकालना है, इस तरह से फिर कटिंग को लगाना है। तो एक से दो नोड एरिया जो है वो भी मिट्टी के अंदर जाने चाहिए, तभी हमारी कटिंग्स ग्रो होगी।
इस तरह से हमारा ये जो मनी प्लांट है इसको हम स्टिक के ऊपर चढ़ा देंगे और उसको हम इस तरह से धागे से, ग्रीन कलर के धागे से लपेट देंगे। और जो मॉस स्टिक है इस पर भी हमें पानी डालते रहना है जिससे इसमें नमी बनी रहे। जो मनी प्लांट है जो जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे इसको हम धागे के सहारे से इस पर चढ़ाते जाएंगे। तो अभी 2 से 3 दिन तक हमें इसको धूप में नहीं रखना है, इसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट में इसको हम नहीं रखेंगे। और हल्का सा इसमें मॉइस्चर बना रहे, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं, इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, बस इतना ही हमें पानी देना है। जब हम मार्केट से स्टिक लाते हैं या ऑनलाइन लेते हैं तो वो काफ़ी महंगी हमें मिलती है, तो ये इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं, ये बहुत ही सस्ती बन जाती है। और ये जो रस्सी होती है इसे हमारे यहाँ नारियल की रस्सी कहते हैं, तो ये जो नारियल की रस्सी होती है ये जल्दी भीगने से ख़राब नहीं होती है। आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।